हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लैम बॉय के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि कृष्णा ने जो डिस्ट्रैक निकाला है उसका म्यूजिक प्रोड्यूस करा है फ्लैम बॉय ने, और साथ ही फ्लैम बॉय ने एमिवे के भी काफ़ी ट्रैक्स प्रोड्यूस करे हुए पहले। तो अभी एक स्टेटमेंट देखने को मिली है फ्लैम बॉय की तरफ से, जिसमें वो लिखता है, नॉट साइन टू एनी लेबल नॉर आई एम वर्किंग अंडर एनी वन और आई एम ऑन एनी पर्टिकुलर रैपर साइड हियर फॉर द म्यूजिक एंड आई नीड टू फीड माई फैमिली, बाकी तुम लोग को जो समझना है समझो, #YouNoNothing यू नो नथिंग। तो उनका ये कहना है कि वो किसी भी रैपर के साइड नहीं है, ना ही कृष्णा ना ही एमिवे, बस वो अपना काम कर रहा है, म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है। एनीवेज, नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो हेलक की तरफ से एक स्टोरी आई है कृष्णा के लिए। साथ ही जैन म्यूजिक जो है वो भी कृष्णा के लिए एक स्टोरी डालता है। न्यू ऑडियंस मुबारक हो, डॉलर भाई को लाइफ का सबसे बड़ा गाना मिल गया। तो इस ट्रैक की बात हो ही रही है, तो लिल बंटी जो ट्रैक है वो अभी एक दिन में 1.5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो ये गाना तो अभी ट्रेंड कर ही रहा है यूट्यूब में, पर साथ ही इसका जो एक रिएक्शन वीडियो है वो भी यूट्यूब में ट्रेंड कर रहा है। तो इस रिएक्शन का मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं रोहन कारियप्पा के बारे में। तो लिल बंटी ट्रैक का भी लिरिक्स ब्रेकडाउन आ चुका है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपडेट डीनो जेम्स की साइड से। तो डीनो कुछ ऐसी स्टोरी डालता है, आज शाम तक या फिर कल सुबह तक मैं कुछ अपडेट आप लोगों को दे दूंगा रिलेटेड टू मैं क्या डालने वाला हूं बहुत जल्द। तो अब बात कर लेते हैं नेजी के बारे में। तो नेजी का जो हिफ्ज़ ओमान ट्रैक है उसका भी म्यूजिक वीडियो आउट हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं बादशाह के बारे में। तो अभी राज जोन्स के यूट्यूब चैनल से एक इंटरव्यू देखने को मिला है बादशाह भाई का, जो के लिए आया फेक और राज जोन्स ने, तो आप लोग ये जाके देख सकते हो, काफी बड़ा इंटरव्यू है। पर इसमें जो कुछ जरूरी अपडेट्स है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो बादशाह का जो है वो एमसी स्टैन के साथ काफी जल्दी कोलैबोरेशन आने वाला है। मेरी और स्टैन की ना काफी बात होती है बाय द वे। हां अच्छा, हां इसीलिए एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि पता नहीं था मैं, और लोगों को पता नहीं, बट मेरी और स्टैन की कोलैबोरेशन भी होनी थी। और मुझे ये था कि मैं एल्बम पे आज आऊं, और तो मैंने तो उसने मुझे बीट्स वीट्स भेजी, हमारा चल रहा था एक्सचेंज। तो मैंने जब उसकी एल्बम शेयर करी तो फिर मैंने उसको बोला था कि करते हैं करते हैं। तो आई वांटेड कि हम कोलैबोरेट करें, और मैंने उसको बोला यार एल्बम पे ही कर लेते। कहता भाई मेरे को आइडिया ही नहीं था आप मेरी एल्बम पे आना चाहते हो। मैंने कहा यार चलो ठीक है, मतलब ये मिस कम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हो गया, बट मुझे वो आर्टिस्ट अच्छा इसलिए लगता है वो सबसे अलग है, राइट। और इस टाइम इतने शोर में वैसा सा रहना मुश्किल है, तो वो मुश्किल चीज मुझे अच्छी लगती है उसके बारे में। और उससे मैं बात करता हूँ, बहुत ही सही है, बहुत एक जज्बा है उसके अंदर, वो मुझे बहुत सही लगता है। आपको क्या बोला, माम कैसे हो, या मतलब हाँ कि वो बहुत यूज करता है दैट स्लैंग। हाँ यार नेट नहीं आ रहा। हाँ ऐसे ही बात करते हैं, माम ये अरे भाई ऐसे ये। साथ ही बादशाह कृष्णा के बारे में भी बात करते हैं। अच्छा एक चीज, कोई चीज ऐसी है जो आप किसी और आर्टिस्ट में देखते हो, आपको देख के, देखिए मैं जेलेसी वर्ड यूज कर देता हूँ, कर ही देता हूँ, आपको लगता है यार ये चीज कृष्णा। अच्छा जितना टाइम वो लगाता है अपनी लिखाई पे, मुझे बड़ी जेलेसी होती है कि मेरे काश इतना टाइम मैं भी लगा पाऊँ। और ऐसा नहीं मैं लगा नहीं सकता, मेरे में ना पेशेंस नहीं है, मेरे को बहुत जेलेसी होती है कृष्णा की वो चीज़ देख के। तो अब बात कर लेते हैं मिंटा के बारे में। तो मिंटा और एमिवे का जो ट्रैक है मानते नहीं हार वो भी ड्रॉप हो चुका है। तो एमिवे का जो वर्स है इसमें उसको सुन के ऐसा लग रहा है कि इसमें काफी सबलिमिनल शॉट्स है। साथ ही मिंटा एक स्टोरी डालता है और ये बताता है कि आज से 8 साल पहले उनका एक ट्रैक आया था एमिवे के साथ में, जिसका नेम था 4 स्क्वायर, और अभी आउट हुआ है मानते नहीं हार। तो अब बात कर लेते पैंथर के बारे में। तो सिकंदर कालो ने पैंथर की कुछ पोस्ट लाइक करी है, तो इसको शेयर करके पैंथर कुछ ऐसा लिखता है, पे रिस्पेक्ट वेयर इट्स ड्यू, बिग डे फॉर मी सिकंदर कालो, ऑलवेज अ फैन। तो अब बात कर लेते रायचू के बारे में। तो रायचू ने भी अभी एक डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दिया है जिसका नेम है कृष्णा लिल बंटी इंटरल्यूड। तो फ्लैम बॉय की बीट है जो कि लिल बंटी में यूज हुई है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ये जाके सुन सकते हो। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।